तो सांगो क्षेत्र में बड़ी संख्या में नदी नालों में उफान है और कई पिट जलस्तर नदियों का बढ़ चुका है। उजाड़ नदी भी अभी उफान पर चल रही है, हालांकि अब उजाड़ नदी पर स्थित भीमसागर बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें चढ़ाव है। आइए सर, एसडीएम साहब से जानते हैं कि क्या स्थिति है कालीसिंध और उजाड़ नदी की, वर्तमान स्थिति क्या है सर दोनों नदियों की? उजाड़ नदी में जो भीमसागर से पानी आता है वो पानी दोपहर के बाद बंद कर दिया है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए अब जो पहले पानी छोड़ा हुआ वही पानी चल रहा है। और चूंकि कालीसिंध में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ा गया है, लगभग 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से, उस के वजह से ही पानी निकलने में थोड़ी समस्या आ रही है इसके भी। और कालीसिंध में इतना ज़्यादा पानी होने से काफ़ी सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं, कुछ गांवों के चारों तरफ पानी भी फैल चुका है और कुछ जगह पर एनडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू करना पड़ा है। जैसे घटाल जो है उसमें जो बस्ती थी उस बस्ती से लगभग 44 लोगों को एनडीआरएफ की टीम की मदद से निकाला गया है। अब पूरे दिन वह वहीं थे, लोगों को हमने ये अपील की कि निचले स्थानों से ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर पानी बढ़ता है तो वह सुरक्षित रह सके। सर क्या लगता है कितना जल स्तर बढ़ सकता है अभी कालीसिंध का? हालांकि उजाड़ तो अब रात के समय थोड़ा डाउन जा सकती है, लेकिन कालीसिंध में कितना बढ़ सकता है? मध्य प्रदेश से जैसे सूचना प्राप्त हो रही है अब पानी बढ़ने की संभावना नहीं है, और जो पानी 6,48,000 क्यूसेक छोड़ा हुआ है उतना ही पानी लगभग चलता रहेगा और संभावना है कि रात में ये पानी नीचे उतरने लग जाएगा। फिर तो प्रशासन कितना तैयार है कि अगर बढ़ता है जल स्तर तो किस प्रकार की तैयारी? बिल्कुल प्रशासन पूरा तैयार है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जिला लेवल पर भी लगी हुई है और उनको जब जरूरत होती है हर जगह पर भिजवाया जा रहा है और हम खुद कोशिश करते हैं कि वहाँ मौके पर पहुँचे या कोई ना कोई प्रशासनिक प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे, जनप्रतिनिधि भी अपने हिसाब से पहुँच रहे हैं तो, और गांव वाले लोग भी खुद अपने आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को निकालने में मदद कर रहे हैं, रुकाने में मदद कर रहे हैं। तो एसडीएम सर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन नदियों में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि सावधानी बरतें और नदी नालों को उत्साहित होकर देखने ना जाएं, अपनी सावधानी खुद रखें, सुरक्षा खुद करें, ऐसी कोई स्थिति आती है तो प्रशासन को अवगत जरूर कराएँ। कैमरामैन लीलाधर सुमन के साथ रवि राठौर, सांगोली।